गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था अपना करंट मॉर्निंग टू नाइट रूटीन दिखाने को। सो आज मैं आपके लिए ले आई हूँ अपना मॉर्निंग टू नाइट रूटीन। वैसे दिस इज ऑल्सो अ स्पेशल डे इन माई लाइफ। आज छुट्टी थी इसलिए मैं 8:30 बजे उठी। उसके बाद मैंने अपने बाल बांधे एंड मैं तुरंत चली गई अपने दांत ब्रश करने, बिकॉज मुझे ना बहुत ज़्यादा अनहाइजीनिक लगता है जब मैं एकदम उठते ही ब्रश नहीं करती। सो मैंने जल्दी जल्दी ब्रश कर लिया। आज मम्मा ने ब्रेकफास्ट में बनाया था पनीर का पराठा विद सम रेड चटनी एंड मुझे पनीर का पराठा पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे गाइज आप मुझे बताना कि आपकी हॉबीज़ क्या है। लाइक मुझे डांसिंग पसंद है, क्राफ्टिंग पसंद है एंड मेरी बहुत सारी हॉबीज़ हैं। आफ्टर हैविंग माई ब्रेकफास्ट आई क्विकली वेंट टू टेक अ बाथ एंड आफ्टर टेकिंग अ बाथ मैं आ गई अपने घर के बाहर टू गेट सम विटामिन डी। एंड आज मेरा हेयर वॉश डे था ना, तो मुझे अपने बाल भी सुखाने थे एंड मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है बाहर वॉक करने में। लाइक बर्ड्स चर्प करती रहती हैं एंड लाइक बहुत ज़्यादा शांति होती है। उसके बाद मम्मा ने मुझे दे दिए फ्रूट्स जिससे मुझे विटामिन डी के साथ विटामिन सी भी मिल जाए, तो मैं खा रही थी ऑरेंज एंड आई लव ऑरेंजेस सो मच। उसके बाद यार छुट्टी है बट पढ़ाई तो करनी पड़ती है ना, इवन दो मुझे करने का मन नहीं था बट मैं पढ़ाई करने लगी। एंड या इग्नोर द ब्लैंकेट बिकॉज मुझे ना पूरे समय ठंड लगती रहती है, तो ना मैं ब्लैंकेट ओढ़ के ही पढ़ाई करती हूँ। मैंने ऐसे ही 1-2 घंटे मैथ्स के कुछ रैंडम क्वेश्चन सॉल्व किए। उसके बाद हो गया लंच टाइम एंड आज लंच में बना था कोफ्ता, दाल, दही एंड रोटी एंड साथ में थे पकौड़े। आज संडे था इसलिए मम्मा थोड़ी सी अच्छी सब्जी बनाती है, वरना तो रोज़ मुझे वैसी ग्रीन सब्जी खानी पड़ती है एंड मुझे बिल्कुल ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, बट मम्मा कहती है तो मुझे खाना पड़ता है। एंड आज ना रेनबो निकला था विच वॉज सो प्रिटी, लाइक कितना बड़ा रेनबो आने मुझे बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा था। कैमरे में तो इतने अच्छे से आया नहीं बट मैंने कोशिश की कि जितना भी कैप्चर हो पाए मैंने उसे कर लिया कैप्चर। समझ आ गई है एंड मैं पूल ना जाऊँ ऐसा तो हो नहीं सकता। सो मैं रेडी हो गई, मैंने अपने बालों में एक बन बनाया है बिकॉज उससे ना मुझे शार्क कैप पहनने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। सो मैं चेंजिंग रूम में चली गई। उसके बाद मैंने अपने सारे जो एसेंशियल्स है ना पूल में जाने के लिए वो सब लगाए, जैसे कि बोरोलिन जिससे मेरी स्किन डैमेज ना हो। ओके एंड दिस इज़ ऑल्सो अ टिप फॉर यू गाइस कि आप लोग ना पूल जाने से पहले सनस्क्रीन लगा लो, बोरोलिन लगा लो या कोकोनट ऑयल कुछ भी लगा दो। उससे ना जो ब्लीच होता है ना वो आपकी स्किन पे डायरेक्ट नहीं पहुंचेगा एंड आपकी स्किन हार्म नहीं होगी। उसके बाद मैंने शार्क कैप पहन ली, अपने स्विमिंग गॉगल्स पहन लिए एंड आई एम रेडी टू गो टू द पूल। You must have seen me in my old video when I struggled to do some swimming, but अब मुझे swimming एकदम अच्छे से आ गई है and I enjoy it a lot. Guys, आपको वैसे swimming आती है या नहीं आती है? क्योंकि मुझे तो like मैंने अभी recently ही 1 year पहले ही swimming सीखी थी। Hey guys, so please ignore my messy hair. So कल है मेरे मम्मी पापा की anniversary. सो उसके लिए मैं और मेरी सिस्टर अभी मार्केट गए थे, तो हम लोग चॉकलेट पेस्ट्री लाए हैं ऐसे एक छोटी सी मिडनाइट सेलिब्रेशन के लिए। तो अभी मैं आपको पेस्ट्री दिखाऊंगी एंड उसके बाद 12 बजे हम लोग छोटी सी सेलिब्रेशन करेंगे एंड उसके बाद बाकी का तो कल सेलिब्रेट करेंगे अच्छे से। दीज आर द पेस्ट्री, इट्स सो गुड, आई लव चॉकलेट। It's time to surprise mama and papa. So वो लोग अभी just walk से आए थे ना, तो फिर आते ही फोन देखने लगे। So मैंने जब उन्हें दिखाया तो दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश हो गए। आपने देखा होगा पापा तो अभी भी शूज पहने हुए हैं। And उसके बाद मम्मा ने पापा को केक फीड किया, मेरे भाई को केक फीड किया, मेरी दीदी को, मुझे एंड आप लोग को भी केक फीड किया। एंड अगर आप मेरे पेरेंट्स को एनिवर्सरी विश करना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर ही कर देना। It's day 2 guys and aaj hai mere parents ki anniversary and main ho gayi hu ready to go to a restaurant and have some lunch with my family. By the way, इस आउटफिट का गेट रेडी विद मी मैंने अपने चैनल में एज अ शॉर्ट अपलोड कर दिया है, सो अगर आपको देखना है तो आप जाके देख सकते हो। सो वी आर एट द रेस्टोरेंट, लेट्स गो इनसाइड एंड हैव सम यम्मी फूड। ओके सो वी आर इनसाइड नाउ एंड आपको पता है हम लोग ने ना अपने पेरेंट्स के लिए लाइक एक एनिवर्सरी थीम की डेकोरेशन भी एक साइड पे करवा दिया था जिससे हम लोग लाइक फोटोज क्लिक कर सकें एंड सेलिब्रेशन में थोड़ी और मज़ा आए। सो यहाँ पे हम लोग मेन्यू से ऑर्डर कर रहे थे जो भी हमें ऑर्डर करना था। देखो फूड आने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, तब तक हम लोग सोच रहे थे कि क्या करें। सो देन वी डिसाइडेड टू क्लिक सम पिक्चर्स एंड मेक सम वीडियोज़।
सो हियर इज द क्लोजर व्यू ऑफ डेकोरेशन. यहाँ पे पिंक ग्रे एंड व्हाइट एंड ब्लैक बलून्स है एंड ये मेरे मम्मा पापा का एनिवर्सरी आउटफिट है एंड लुक एट देम दे लुक सो क्यूट टुगेदर. आई विल बी क्यूट. सो नाउ आई एम वेटिंग फॉर माय फूड टू कम एंड आई विल शो यू व्हाट वी हैव ऑर्डर्ड. सो वी फाइनली गॉट आवर लंच. सो मैंने और मेरी सिस्टर ने अपने लिए गार्लिक बेटा शॉर्ट पनीर बटर मसाला ऑर्डर किया था. मम्मा पापा ने प्लेन नान एंड कढ़ाई पनीर ऑर्डर की थी. एंड जब हम लोग रेस्टोरेंट के पीछे आए ना तो यहाँ पे एक मंदिर भी था. सो वहाँ पे हमने दर्शन कर लिए. एंड दैट्स द लास्ट सरप्राइज फॉर टुडे. सो ये केक मेरे मामू एंड मामी ने पापा मम्मा के लिए सेंड किया था फॉर देयर एनिवर्सरी एंड दिस केक वाज सो डिलीशियस. थैंक यू मामा मामी. Guys, that's it for today's video. I know मैं काफ़ी time बाद एक long video upload कर रही हूँ but अब finally मेरी summer vacation start हो गई है. So मैं जल्दी आप लोग के लिए अपना home tour भी लाऊंगी because आप में से बहुत सारे लोगों ने request किया है. So उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना. Toodles!